से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। उन्होंने कुछ सेकंड्स पहले हमें, कुछ मिनट्स पहले हमें, कुछ घंटों पहले हमें सॉरी ज्वाइन किया था। और जब इन्होंने कुछ घंटों पहले हमें ज्वाइन किया था तो एक फैंटेसी टीम इन्होंने बनाई थी। अभी हम इनके स्कोर्स भी देखेंगे, लेकिन पहले तो इनसे पूछते हैं, अरिका आप कैसे हैं आप? और आपने मैचेस अभी सारे देखे ही होंगे आज के दिन के, कैसा लगा आपको मैचेस देखकर? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैचेस देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट सिर्फ एक ही टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर सारी टीम अच्छा परफॉर्म करती तो और भी अच्छा होता, बट या चलें, आई होप आपकी जो विश है कि सारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो शायद पूरी हो जाए लास्ट मैच के अंदर। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि लास्ट जो आपने मैचेस देखे आज के दिन के, उनमें सबसे फेवरेट आपको कौन सा मैच लगा और कौन सा मोमेंट था जो सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको? अगर वैसे तो इट वॉज रियली फन टू वॉच, बट मेरा फेवरेट जो मोमेंट था दैट वॉज इरेंगल का मैच जिसमें आई8 ने 17 किल किए। बिल्कुल, जी आई एट के वो 17 केल्स ऐसा। अब तो आप भी यकीन कर रहे हैं कि अरिका ने वाकई मैचेस देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन रहेगा, आपने स्टार्ट ऑफ द डे एक मैप के ऊपर खेला पबजी मोबाइल, एंड मैंने भी इंटरव्यू के अंदर सुना आपने कहा कि आप 2 साल से खेल रही हैं पबजी मोबाइल को। सो किस तरह का एक्सपीरियंस था और कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस था नूसा के ऊपर खेलना? ओके, सो नूसा के ऊपर खेलना, उसके अलावा प्रो प्लेयर्स के साथ खेलना, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिकॉज़ मैं तो प्रो प्लेयर नहीं हूं ना, सो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई मुझे उस चीज में, बट आई थिंक थोड़ा टाइम मैंने सर्वाइव कर लिया था। और उसके अलावा सिर्फ एक मैच खिलाया है, थोड़े और मैचेस खिलाते तो कोई बात बनती। That's देख true. लें जी, चैलेंज आ चुका है और अगेन एक सजेशन भी आ चुका है यहाँ पर कि मैचेस ज्यादा होने चाहिए थे। बट अगेन यू डिड प्रीटी वेल। लेट्स सी कि आपके स्कोर्स वगैरह क्या बनते हैं। अलादीन, व्हाट्स योर गेस? मुझे लग रहा है आज के दिन बहुत तोड़ा है इनकी टीम ने। इन्होंने आईक्यू को पिक किया था, आईक्यू ने 4 किल्स तो एक मैच में निकाले थे। फिर इन्होंने उजम को पिक किया था, उजम ने ये 6 किल्स निकाले थे। तो मेरे ख्याल से स्कोर्स इनके काफी सारे बन गए। डू यू थिंक कि आरिका आप टॉप 3 में आ जाएंगी? वैसे तो 4 इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, डू यू थिंक कि आप जीत जाएंगी? आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट आई होप कि टीम ने अच्छा खेला, सो आई होप कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, लेट्स होप कि आप जीत। लगा कि यार ये भी एक दुनिया है, इधर भी सेपरेट शोज होते हैं, सेपरेट वहां पर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसका 4-4, 5-5 करोड़ प्राइस पूल होता है। तो ये सब जान के आपको कैसा लगा, पबजी की जो दुनिया थी कैसे लगी ओके, आपको? सो बिल्कुल मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमारा लाइक जो फील्ड है वो काफी अलग है, बट यहाँ पे आके देख के काफी एक्सप्लोर करके मुझे काफी खुशी हुई कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। यस मैचेस ज्यादा होते हैं, इनकी प्रैक्टिस होती, तैयारी होती इनकी, और ये परफॉर्म करती हैं। और आई होप अगली बार जब भी इनको बुलाया जाएगा तो ये पहले टीडीएम में जरा हाथ छत अपने गर्म कर लेंगे ताकि ये वाला एक्सक्यूज ना आए। लेकिन खवातीन और चलते हैं सीधा लीड बोर्ड की तरफ और देखते हैं अरिका हक किस स्पॉट पे मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से खेला गया इनकी तरफ से, एंड पहले पायदान पे मौजूद है रियाशा दाहल, उसके साथ ब्यार ब्यारबत, बहुत ही मुश्किल नाम है। बिल्कुल एसन, यू हैव टू हेल्प मी। बिल्कुल, ब्यारबत मिशिदोर्ज, नाइस नेम, और बड़ा बड़ा जो है वो सोच समझ ये कर उनकी मुझे तरफ से रखा लगा गया है कि नाम। इट्स अ टंग ट्विस्टर। ऐसे ही है, ऐसे ही मुझे भी थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा। लेकिन दूसरी तरफ अंजिलो मैथ्यूज जो है हमारे सामने 110 पॉइंट्स के साथ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15 पॉइंट्स से ही रहे हैं। अगर जो है वो स्पार्क की जगह कोई और प्लेयर उनकी तरफ से चूज किया जाता तो मे बी यहाँ पर जो है मेरा रिजल्ट डिफरेंट नजर आता। बट अगेन इट वॉज समथिंग मुझे लगता है जो नहीं था, नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल, लेकिन एक चीज अच्छी है कि इन्होंने जो प्लेयर्स पिक किए उनकी तरफ से हाईएस्ट एलिमिनेशन निकाली गई है, लाइक हाईएस्ट नंबर यस ऑफ एलिमिनेशन 8 ही हैं पूरे पूरे स्टेज पे। ओके, 9 है, ये तो होता की तरफ से 9 निकाली गई है। चले सेकंड हाईएस्ट खेल लेते हैं, और सेकंड हाईएस्ट उज़म ने निकाली है। सॉरी, का क्या कहना चाहेंगी पॉइंट्स टेबल पे देखकर आप? पॉइंट्स लेवल को देख के मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि हार जीत तो होती रहती है, बट मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड या दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस, बिल्कुल, ये आपकी तो टीम है। ने अच्छा तो परफॉर्म किया है, बिकॉज आई8 ने आज के दिन एक मैच में सेकंड स्पॉट के साथ 17 किल्स निकाले हैं। और इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, चलें एक खुशी की खबर मैं आपको दे देता हूं। अभी तक सारी जितनी हमने कोशिश की कोई खुशी की खबर बनी नहीं, अब मैं आपको एक खुशी की खबर दे रहा हूं, और वो ये है
कि आपने जो टीम पिक की थी आज उसने 17 किल्स निकाले और 17 किल्स साउथ एशिया चैंपियनशिप में अभी भी कोई टीम नहीं कर पाई. सो वी कैन से कि आपके आने का जो गुड लक चार्म है वो टीम आईएट को 17 किल्स दिला देता है. हालांकि जब आप आए थे, जब आप पहले मैच में आए थे, तब टीम आईएट जल्दी इलिमिनेट हुई और सबने कहा एरिका की वजह से हुआ है. लेकिन जब टीम आईएट ने 17 किल्स निकाले तो फिर किसी ने ये नहीं कहा कि एरिका की वजह से हुआ है. तो मेरे ख्याल से अभी ये चैट में स्पैम होना चाहिए कि एरिका की वजह से ही 17 किल्स निकले. सो थैंक यू सो मच फिर से आपके आने का बहुत शुक्रिया. आई बिलीव दोबारा से हम आपको यहाँ पर जरूर दावत देंगे नेक्स्ट जब भी कोई टूर्नामेंट होता है यहाँ से. और जाते जाते कोई फाइनल वर्ड्स जो आप कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहूंगी कि इट वाज लवली वाचिंग दिस टूर्नामेंट एंड आई लव्ड वाचिंग द गेम्स एंड द प्लेयर्स. दे प्लेड वेल. क्रिकेट टीम की तरह हो गया. बॉयज प्लेड वेल. बट या इट वाज फन वाचिंग दैट. इंशाल्लाह. Inshallah, boys played well. We'll do our one-on-one on some other day. Lekin khawateen aur saath iske saath